हेलो दोस्तों, ये मेरा डायग्रामेटिकल रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है, जिसमें मैं आज सिखाऊंगा आपको ऑड कैसे निकालते हैं, ऑड मैन कैसे निकालते हैं, ऑड वन आउट कैसे निकालते हैं फिगर से। थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है ये, आर्यन की बुक से थोड़े से हायर लेवल प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें होता क्या है, आपने सिक्वेंसिंग में देखा कि यहाँ पर 90 सीरीज चलती है या फिर एंटी क्लॉक वाइज सीरीज चलती है, क्लॉक वाइज सीरीज चलती है, ऐसी या एंटी क्लॉक वाइज सीरीज रहे या एंटी क्लॉक वाइज रहेगा, तो इस तरीके से सीरीज चलती है, या फिर 90-45 एंगल चलेंगे। ओके, तो ये दो एंगल्स चलते हैं जनरली, पर ऑड मैन में क्या हो सकता है, एक और ये तो चलेगा ही चलेगा, मतलब 90-45 और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको होगा ही होगा, पर उसमें अगर वो नहीं होता है और फिगर्स दे दी है तो वहाँ पे आपको साइड गिनना स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक ट्रायंगल को तीन साइड रहती है, क्वाड्रिलेटरल को तीन साइड रहती है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल को चार साइड रहती है, पेंटागन को पाँच साइड रहती है, इस तरीके से आपको गिनना स्टार्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर एक और लॉजिक ये लगता है, ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी केयर करना है ऑड वन निकालने के लिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है ऑड वन, ठीक है, ऑड वन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर टॉपिक पे दो दो जो भी टॉपिक कवर होते हैं, और कोई ज़्यादा टॉपिक होते हैं तो मैं तीन तीन वीडियो डालूंगा, पर आप ये सीरीज़ कंप्लीट देखना, मतलब आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपका एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है नाटक के लिए। अगर वो आपको कंप्लीट करवाना है तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखो, मैं तीन दिन के अंदर पूरे के पूरे वीडियो अपलोड कर दूंगा, 12-15 वीडियो आ जाएंगे मेरी तरफ से आपको हर टॉपिक पे, आपके हर टॉपिक कवर हो जाएंगे इस 12-15 वीडियोस में, आपका पूरा का पूरा ट्रिक्स एंड ट्रिक्स इसमें क्लियर हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम भी नए नए आप देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपके पास मटेरियल बहुत कम है, ये मैं भी जानता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं ये प्रॉब्लम। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये पहले समझना है। तो यहाँ पे पेंटागॉन दिया है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया है या स्क्वायर दिया है, हेक्सागॉन है, और ये क्या दिया है, तो ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, ठीक है। और हर शेप के ऊपर उसके नंबर के, साइड के नंबर के इक्वल उसने ये बॉल्स और लाइन दे दी है, ठीक है। तो इसमें तो कोई मुझे ऑड नहीं लग रहा है, इसमें कोई मुझे ऑड नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे साइड गिनना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है, यहाँ पे छः है, यहाँ पे चार है, तो ये भी कोई ऑड नहीं लग रहा। पर अब इसमें एक ऑड है, वो है नंबर पाँच वाला। अब ये क्यों नंबर पाँच वाला ऑड है, क्योंकि ये सब रेगुलर शेप्स है, ठीक है, ये सब रेगुलर शेप है, रेगुलर पेंटागॉन, रेगुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागॉन, पर ये रेगुलर नहीं है। ये कौन सा शेप है, तो ये पैरेललोग्राम शेप है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम शेप है, इसके लिए ये ऑड है। रेगुलर शेप के ऊपर ये लगाना ओके था, पर ये नॉन रेगुलर होने की वजह से मेरा ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट रहेगा। अब ये देखते हैं, अब ये भी काफ़ी सिंपल है, इसमें लॉजिक लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल नहीं है, ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट रहेगा, कि जो पैरेलल नहीं है वो आपका सही जवाब रहेगा। अब ये बनाते हैं। अब इसमें आपको मैंने जो बोला था लॉजिक जो चल रहा है वो लॉजिक देखना पड़ेगा। तो देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का लॉजिक आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अब जरा घुमा के देख लो इसको। अब ये फिगर ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या समझ में आया, ये मुझे बताना है, इसका लॉजिक मुझे डिक्टेक्ट करना है, अगर हो सकता है तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ इसका भी लॉजिक। देखो, ये जो एरो है बॉटल के राइट साइड में है, ये जो बॉटल के राइट साइड में है, ये अगर हमारा एरो ढक्कन के साइड है तो ये लेफ्ट साइड में है, ढक्कन की साइड है तो लेफ्ट साइड है, पर अगर बॉटल के बॉटम साइड में है तो राइट साइड होना चाहिए, पर ये लेफ्ट साइड दे दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑड रहेगा, ठीक है। तो लॉजिक क्या था कि बॉटल है, अगर ये बॉटल में निकालूँ यहाँ पे ऐसा कुछ, तो यहाँ पे वो एरो आइदर इस डायरेक्शन में रहेगा या ये डायरेक्शन में रहेगा, डिपेंड्स ऑन कौन सी साइड है, ऊपर बॉटम साइड है तो इस डायरेक्शन में रहेगा, टॉप साइड है तो ये डायरेक्शन में रहेगा, ओके। तो ये चालू था, पर अब ये यहाँ पे नहीं है, बॉटम साइड में उसने क्या दे दिया है, एरो लेफ्ट साइड दे दिया है, पर एक्चुअली एरो कहाँ होना चाहिए था, राइट साइड होना चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा आउट मैन आउट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से 30 मिनट्स काफ़ी हो जाएंगे अगर आपकी नज़र अच्छी है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपकी नज़र और अच्छी हो जाए, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर जूम करते हैं तो देखो आप क्या है, तो अब क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे तो ये फिगर देखो कैसी है और बाकी फिगर देखो कैसी है। तो दिया क्या है, बॉल के बाजू में एक छोड़ के ये लंबी लाइन है, बॉल के बाजू में एक छोड़ के ये लंबी लाइन है, बॉल के बाजू में एक छोड़ के लंबी लाइन है, और बॉल के बाजू में एक छोड़ के लंबी लाइन है, पर इस जगह पे बॉल के बाजू में दो छोड़ के लंबी लाइन है,
तो ये एक और हो सकता है, ये एक और का लॉजिक है। अगर मेरे से कोई मिस होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको सपोर्टिंगली लेता हूँ। वो आप भी जानते हो मैं मानता हूँ मेरी गलतियाँ, पर मुझे जो दिखता है वो मैं बोलता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट और होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रोटेशन का तो कुछ नहीं है, रोटेशन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पर। अब ये देखते हैं, अब मेरे ख्याल से इसको 10 सेकंड के ऊपर नहीं लगना चाहिए, ये भी 10 सेकंड के लायक नहीं है। देखो ये जो है इसमें 8 डांडे हैं इक्वल डिस्टेंस पे छोड़ के, इसमें नहीं है, इन सब में 8 डांडे इक्वल डिस्टेंस छोड़ के है। इसका रोटेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रोटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें इससे ही ये क्लियर हो जाएगा। आपको भी इसी लेवल के प्रॉब्लम रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सही रहेगा। अब ज़रा ये प्रॉब्लम थोड़ा ऑब्जर्व करो, 5 सेकंड लो, इसके बाद मैं इसका जवाब देता हूँ। 5 सेकंड के ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये आर एस अग्रवाल में एक फेमस प्रॉब्लम है। तो आप देखो इसका लॉजिक क्या चल रहा है, कोई भी फिगर ले लो, कोई भी शेप ले लो, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सिंपल सिंपल ड्रॉ करता हूँ। तो इसका लोअर मोस्ट जो पार्ट है, इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो शेडेड किया है, ये बस शेडेड किया है। ओके, तो ऐसा देखना है, तो इसमें लोअर मोस्ट पार्ट शेडेड किया है, कोई भी शेप हो, इसमें भी लोअर मोस्ट राइट बोलेंगे, इसको अपर मोस्ट राइट, इसको लोअर मोस्ट राइट, इसको लोअर मोस्ट रेड, अपर मोस्ट लेफ्ट बोलेंगे। तो ठीक है, तो इसमें लोअर मोस्ट राइट शेडेड किया है, लोअर मोस्ट राइट शेडेड किया है, सेम सेम, पर ये अपर मोस्ट राइट किया है, अपर राइट किया है उसने शेडेड, इसके लिए ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब रहेगा। अब ज़रा इसे देख लेते हैं, अब इस फिगर में मेरे सभी के सभी लॉजिक लगते हैं, क्योंकि ये जो एरो के लॉजिक दिए हैं ये तो सब एक डायरेक्शन में है, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा, तो इसको हम काट देते हैं अभी के लिए, इसको हम काट देते हैं। सेकंड लॉजिक देखते हैं क्या है, आपको दिखता है नहीं दिखता है मुझे नहीं पता, पर इस सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग एक एरो घूम रहा है, यहाँ पर अगर देखेंगे केयरफुली तो एक एरो घूमता है। आप एचडी पे ये वीडियो देखोगे तो दिखेगा, या फिर थोड़ा जूम करके दिखा लेता हूँ। तो सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग एक एरो घूम रहा है, देखो ये छोटा सा एरो घूम रहा है, तो यहाँ पे भी एक एरो घूम रहा है, यहाँ पे भी एक एरो घूम रहा है, यहाँ पे भी एक एरो घूम रहा है, और यहाँ पे भी एक एरो घूम रहा है। ठीक है, तो इन सब एरो की जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये सब मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहे हैं, 9 से 12 11 मतलब क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहे हैं। बस ये अकेला है जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन घूम रहा है, तो ये अकेला अलग है, और यही मेरा सही जवाब रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई मेरा सही जवाब रहेगा। अब ये देखो इसका क्या करना है, थोड़ा 5 सेकंड सोचो और फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड ख़त्म हो गए हैं, तो अब ज़रा फिगर्स को ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये सेमी सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, रोम्बस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये सब इक्वली डिवाइड हुए हैं, आप अगर केयरफुली देखोगे तो इक्वली डिवाइड हुए हैं, पर ये नहीं हुआ इक्वली डिवाइड, ये थोड़ा अलग अलग डिवाइड हुआ है, कुछ इस तरीके से डिवाइड हुआ है ये, मतलब ऊपर का पार्ट ज़्यादा, ये प्लस बोल लेते हैं, इसको माइनस बोल लेते हैं, तो इक्वली नहीं है, क्योंकि वो इलिप्स शेप में डिवाइड किया था, इलिप्स शेप कभी इक्वली डिवाइड हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही जवाब रहेगा। अब ये देखते हैं, इसकी भी रोटेशन हमें चेक करनी पड़ेगी, तो वो करो और 5 सेकंड बाद मुझे, मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी काफ़ी इजी प्रॉब्लम होते हैं, बस एक काम करना है, ये दो तीन फिगर में क्या सिमिलरिटीज है वो ढूंढना स्टार्ट करना है। ओके, अगर इन सबको ढूंढने में स्टार्ट कर देंगे तो इजी हो जाता है। अब देखो ये जो 3 है और ये जो 3 है, ये इससे मैं मिला सकता हूँ, इनको अगर घुमा लिया, इस थर्ड वाले को अगर घुमा लिया मैंने 180 डिग्री अगर घुमाता हूँ तो मुझे ये फिगर मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से फिगर मिल जाएगी, घुमा के देखो, विजुलाइज करके देखो, ये मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों में से एक किसी एक को घुमाता हूँ 180 डिग्री तो मुझे दूसरी फिगर मिल जाएगी। ठीक है, तो इनको कितना घुमाना है, इनको 90 डिग्री घुमाना है और इन दोनों को 180 डिग्री घुमाना है, तो एक दूसरे से एक फिगर मिल रही है। पर ये जो बी वाली फिगर है, ये सिमिलर टू ए है, पर आप किसी तरीके से घुमा के देख लो, ए फिगर नहीं मिलेगी। घुमाना मतलब क्या करना है, बस इस फिगर को विजुलाइज करो कि ये सब एरो 180 डिग्री उस साइड हो गए हैं। उस साइड होना मतलब क्या होना, 180 डिग्री उसका मिरर इमेज ले लेना, अराउंड एक्स एक्सिस मिरर इमेज ले लो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहना चाहिए। इसको घुमा के अगर देख लिया, विजुलाइज करके देख लिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। अब ये देखते हैं, ये भी एक बच्चों जैसा प्रॉब्लम है। एक 5 सेकंड सोचो, फिर इसके बाद मैं जवाब देता हूँ। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो बहुत ईजी प्रॉब्लम है, बहुत फंडामेंटल लेवल का प्रॉब्लम है। तो इनके एरो हेड गिनना स्टार्ट करते हैं हम। कितने इसके पास एरो है? तो इसके पास टोटल 5 एरो है। ये तो जैसे ये एक एरो हो गया, ये एक एरो हो गया, ये एक एरो हो गया, ये एक एरो और ये एक एरो, टोटल 5 एरो है भाई वन वाले के पास। इसके पास 4 एरो है, इसके पास 5 एरो है, इसके पास 5 एरो है और इसके पास 5 एरो है। टोटल कितने एरो है? सबके पास 5-5 है, पर ये बी वाले के पास ये चोर है, इसके पास 4 एरो है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब रहेगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब रहेगा, वही हमारा चोर निकलता है। ठीक है, इसके पास एक एरो कम है, तो ये मेरा ऑड मैन रहेगा। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपके प्रॉब्लम्स क्लियर हो गए होंगे। तो मैं आज ज़्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, मैं ही खुद समझा दूंगा। तो ठीक है, अब इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब इस पे जो सोचना है वो तो मेरे ख्याल से दिख जाएगा, इजीली दिखता है। देखो एरो की डायरेक्शन देख लो, बस कुछ एरो लेफ्ट की ओर है और एक एरो राइट की ओर है हर फिगर में। मेरे ख्याल से फर्स्ट फिगर में भी 2 एरो लेफ्ट है और राइट है, एक एरो राइट है, तो 2 लेफ्ट बोल लूँ, एक राइट बोलूँ। सिमिलरली इसका भी 2 लेफ्ट है, एक राइट है, 2 लेफ्ट है, एक राइट है, 2 लेफ्ट है, एक राइट है। बस इस फिफ्थ नंबर के फिगर में 2 राइट है और एक लेफ्ट है। ठीक है, तो यही मेरा ऑड है। एरो काउंट कर लो, एरो की डायरेक्शन काउंट कर लो, देख लो, तो ऑप्शन नंबर 5 मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये जो दो प्रॉब्लम है ये आपको होमवर्क रहेंगे, ये दो प्रॉब्लम आपको होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम आपको ये भी एक होमवर्क रहेगा। तो मैं इसके जवाब आंसर की मैं क्लियर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं। आप देख सकते हो मेरा घड़ी का टाइमिंग क्या हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, वो कोई अलग बात है, पर